हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड द मैट्रिक्स ए इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। और एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 बाई 3 की, जिसके एलिमेंट है वन 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 अल्फा अल्फा स्क्वायर वन अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4। देन द मैट्रिक्स ए टू द पावर 31 इज इक्वल टू, यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर जो हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके अगर हम लोग सोल्यूशन निकालें, ठीक है, तो वो हमें क्या मिलेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी, और ओमेगा है क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां से हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो ओमेगा टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी ओवरऑल हमें मिल जाएगा ओमेगा। अब देखिए यहां पर सब वैल्यू को हम रिप्लेस कर लेंगे, तो ए स्क्वायर अगर हम लोग डायरेक्टली निकालें तो वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन अपॉन थ्री, बाकी वन 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 अल्फा की जगह ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहां पर वन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसी में, तो आ जाएगा वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए हमें कितना मिल जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1/3 रो बाई कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट बनेगा कितना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहां पर आ जाएगा 0। इसी तरह ये एलिमेंट भी 0 आएगा, ये एलिमेंट भी 0 आएगा, ये एलिमेंट भी 0 आएगा, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 0, यहां पर 1 नहीं, यहां पर 3 आएगा, यहां पर भी 0। ठीक है, तो ये अगर हम यहां से अब 3 कॉमन ले लें, या फिर 3 की ये डिवाइड में दे रखा है, तो सब एलिमेंट में 3 की डिवाइड करते हैं, तो हमें कितनी मिल जाएगी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए स्क्वायर की। ठीक है, तो देखिए अल्टीमेटली हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे ए टू द पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं, तो ए टू द पावर 4 कैसे निकलेगा, ए टू द पावर 4 निकलेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, फर्स्ट रो में है 1 0 0 1 0 0, देन सेकेंड रो में है 0 0 1 0 0 1, और थर्ड में है 0 1 0। इसकी मल्टीप्लाई इसी में करेंगे, यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम से, तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी। देखिए फर्स्ट रो की जब सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 × 1, तो 1 मिलेगा, बाकी सब टर्म 0 ही हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई होगी 0 में, 0 मिलेगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 में तब भी 0 मिलेगा, 0 की मल्टीप्लाई 1 में तब भी 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 की 0 में मल्टीप्लाई 0, 0 की 1 में मल्टीप्लाई 0, और 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0, तो ये फर्स्ट रो पूरी 1 0 0 मिल जाएगी। इसी तरह सेकेंड रो मिलेगी 0 1 0, और थर्ड रो मिलेगी 0 0 1। अब देखिए ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई है, आई की। ठीक है, यानी ए टू द पावर 4 जो है वो हमें कितना मिल रहा है, आई। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए टू द पावर 31 की। तो देख लेते हैं, ए टू द पावर 31 को हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 28 इंटू ए टू द पावर 3। अब ए टू द पावर 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 4 टू द पावर 7 इंटू ए टू द पावर 3, और ए टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है, आई। आई की पावर कुछ भी हो वो आई ही रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए टू द पावर 3। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू आई इक्वल टू कितना होता है, ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 3, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।